हैं। अगर हम बात करते हैं जनाब इस गाड़ी के साइड लुक की, साइड से भी आप लोग गाड़ी को देख लें जी, ते हैं इसको स्टार्ट करते हैं और आपको इसका हम साउंड सुनवाते हैं जी। तो जनाब गाड़ी हो गई स्टार्ट, कर लेते तो बलोर चल पड़ा, ये हमने एसी का बटन प्रेस कर दिया। अस्सलामु अलैकुम खवातीन हजरात, मैं हूं नादर खान, आप देख रहे हैं NKS कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस, तो भाई आपका भाई नादर खान आप तमाम भाइयों के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं जनाब एक सुजुकी ऑल्टो का रिव्यू करने हैं और बड़ी खूबसूरत ऑल्टो है जनाब। एक रात को ऑल्टो हमने लगाई थी, वो तकरीबन आधे घंटे घंटे में सेल हो गई। तो आप तमाम भाइयों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही कि नादर भाई ऑल्टो ऐसी ही कोई और अच्छी ऐड करें। तो भाई ये जो ऑल्टो को हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं ये भी बड़ी अच्छी गाड़ी है, तो आज आपने वीडियो में बने रहना है और जो भी उसकी डिटेल्स होंगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। और आप लोगों को पता है कि आपका भाई नादर खान जो है अच्छी गाड़ियां ही आप लोगों के लिए लेके आता है। बाकी दोस्तों चलते हैं, इंशाल्लाह जो भी उस गाड़ी की डिटेल्स होंगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। गाड़ी खड़ी थोड़ा दूर है, टाइम लगेगा हमें तकरीबन एक घंटा, तो इंशाल्लाह पहुँच के दुआ कीजिएगा खैरियत से पहुँच जाऊँ। तो इंशाल्लाह पहुँच के उस गाड़ी का हम इंशाल्लाह रिव्यू करते हैं और आप तमाम भाइयों के लिए वो गाड़ी लेके आते हैं। तो वीडियो जनाब अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों तकरीबन कोई आधे घंटे का और रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मैं हूँ नादर खान, आप देख रहे हैं NKS कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस, तो भाई आपका भाई नादर खान जो है भाई गाड़ी के पास पहुँच चुका है। दोस्तों बहुत अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी है, ओल्ड मॉडल है। आप लोग कहते हैं कि नादर भाई पुराने मॉडल की जो गाड़ियाँ हैं वो ऐड किया करें क्योंकि वो हमारे बजट में आ जाती हैं। तो भाई ये 2007 की ऑल्टो है, बहुत कड़क गाड़ी है जी। इस गाड़ी के बारे में आप तमाम भाइयों को मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। और मोबाइल नंबर, ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है, प्राइस होती है, वो आपको एंड में हर चीज़ मिल जाएगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि कोशिश होती है कि गाड़ी के बारे में आप तमाम भाइयों को पहले बताऊँ उसके बाद इसके ऑनर को कॉल किया करें। दोस्तों आप में से कोई भाई गाड़ी का एड लगवाना चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप अपनी गाड़ी का एड भी लगवा सकते हैं। टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जिस गाड़ी के फ्रंट से लुक की। आप लोग गाड़ी का फ्रंट से लुक देख सकते हैं, गाड़ी की जो लाइट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है, फ्रंट की इसकी ग्रिल बिल्कुल ठीक है और नंबर प्लेट जो है जनाब इस गाड़ी के अंदर जेन्युइन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जनाब इस गाड़ी के साइड लुक की, साइड से आप लोग देख लें जी, गाड़ी के अंदर जो टचअप होगा वो आपका भाई नादर खान आपको लाजमी बताएगा जी। साइड से आप लोग देख लें। टायरों की बात करते हैं जनाब, गाड़ी के टायर बिल्कुल ठीक है, अलॉय रिम जो है इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। साइड से भी आप लोग गाड़ी को देख लें जी, तो बाकी आप लोग देख लें गाड़ी को, माशाल्लाह गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। इस तरफ से भी देख लें जी, नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर दोनों ही जेन्युइन लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। टायर मैं क्लोज करके दिखाता हूँ जी, टायर गाड़ी के बिल्कुल ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरफ से भी देख लें गाड़ी को, अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को इस गाड़ी में टचअप जो है ना वो बता देता हूँ जी। इस गाड़ी के अंदर एक तो बोनट शावर है, ठीक है ना, उसके अलावा जो दरवाज़ों से नीचे है ना भाई, वहाँ से गाड़ी शावर है, ठीक है जी। बाकी अंदर से भी मैं आप तमाम भाइयों को दिखाता हूँ कि गाड़ी अंदर से कैसी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जी गाड़ी की फुटवेरियों की, तो ये फुटवेरियाँ गाड़ी की बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। पिलर्स की बात करते हैं तो पिलर भी आप लोग गाड़ी के देख लें जी, पिलर गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। सीटों पर जो सीट कवर है जनाब वो नहीं चढ़े हुए, आप लोग देख सकते हैं जेन्युइन सीटों के ऊपर है। दरवाजे आप लोग देख सकते हैं, दरवाजे गाड़ी के बिल्कुल साफ कंडीशन में है। डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ कंडीशन में है, आप लोग देख सकते हैं। मीटर्स जो है ये भी आप लोग गाड़ी के देख लें जी, और मैनुअल गेयर ट्रांसमिशन में ये गाड़ी है। आजकल जनाब ये जो सुजुकी कल्टस होगी पुराने मॉडल की, ऑल्टो हो गई, तो भाई ये ऊबर करीम में आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, वो इसलिए क्योंकि इसमें लोग जो है ना भाई LPG लगा के ना इनको चला रहे हैं, तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज देती है ये LPG के ऊपर। बाकी आप लोग इसको देखें, सीरियस गाड़ी की बिल्कुल ठीक है। और बैक से भी आप लोग देख लें जी, दरवाज़ों की जो सीलें हैं जनाब ये आप लोग देख सकते हैं, दरवाज़ों की सीलें गाड़ी की बिल्कुल नीचे तक पूरी हैं, आप लोग देखें दोनों दरवाज़ों की। और फुटबेरियाँ आप लोग देखें बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। बैक का जो पिलर है ये भी आप लोग देख लें जी, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। अंदर से आप लोग देख लें गाड़ी को, अंदर से भी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। और डिक्की भी आपको दिखाते हैं जी, जनाब यहाँ पर हमने इस गाड़ी की जो डिक्की है भाई ओपन कर ली है जी। सबसे पहले हम आपको डिक्की की जो सीलें हैं ये दिखाता हूँ भाई, डिक्की की आप लोग सीलें देखें, ये गाड़ी की डिक्की की सीलें बिल्कुल पूरी हैं, आप लोग देख लें। और इस तरफ से भी जनाब गाड़ी को देख लें,
डिक्की की सीलें जो हैं वो गाड़ी की बिल्कुल ठीक हैं, स्पीकर यहाँ पीछे लगे हुए हैं और स्टपनी जो है यहाँ मौजूद है, पड़ी हुई है, जैक पाना राड भी इसमें यहाँ पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जनाब। ठीक है जी, और इस तरफ के जो डोर हैं, तो बाकी जनाब इस तरफ के जो डोर हैं गाड़ी के, ये भी आप लोग देख लें जी। इस तरफ के जो दरवाज़ों की सीलें हैं ये देखें जी, दरवाज़ों की सीलें गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं, आप लोग देख सकते हैं। नीचे की फुटबेरियाँ देख लें, ये भी गाड़ी की बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। इसके पिलर आप लोग देख लें बैक के, ये जेन्युइन कंडीशन में है। ठीक है जी, और इस तरफ से भी आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरफ से भी आप लोग देख लें गाड़ी को, ये सीलें देखें जी, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। पिलर आप लोग देख लें नीचे के, पिलर गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। पिलर जनाब बिल्कुल जेन्युइन है, नीचे की फुटबेरियाँ जेन्युइन है। इंजन रूम जो है अंदर से इंटीरियर बिल्कुल खूबसूरत है। इंजन रूम में आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का। जनाब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाड़ी के, सबसे पहले इंजन रूम की जो मेन चीज़ें होती हैं भाई, मैं आप लोगों को इससे दिखाता हूँ जो कुप्पे होते हैं। कुप्पे आप लोग इस गाड़ी के देख सकते हैं, कुप्पे इस गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में हैं, आप लोग देख सकते हैं। सीलें गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं, टिकली यहाँ पर गाड़ी में मौजूद है, लगी हुई है, और ये आप लोग देख सकते हैं जी। इंजन रूम गाड़ी का जो है वो बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। मेन की जो पट्टी है जिसे कहते हैं जी लॉक पट्टी, ये बिल्कुल ठीक है। ड्राई बैटरी यहाँ लगी हुई है। और बोनट की सीलों की बात करते हैं तो ये बोनट की आप लोग सीलें देखें जी, ये सीलें होती हैं। ठीक है, ये गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं। इस तरह से भी आप लोग गाड़ी को देख लें और इंजन रूम साफ कंडीशन में। स्टार्ट करते हैं, इसका साउंड मैं आप लोगों को सुनवा देता हूं। दोस्तों यहां पर इस गाड़ी की चाबी मेरे पास मौजूद है जनाब, लगाते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं और आपको इसका हम साउंड सुनवाते हैं जी। तो जनाब गाड़ी हो गई स्टार्ट, हाफ स्लब स्टार्ट गाड़ी है। ठीक है जी, और साउंड मैं आपको इसका सुनवा देता हूँ जी, साउंड आप लोग सुन लें इस गाड़ी का। ठीक है जी, इस टाइम गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। जनाब गाड़ी जो है इंजन गाड़ी का बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जनाब अगर हम इसके ब्लोअर को ऑन कर लेते तो ब्लोअर चल पड़ा, ये हमने एसी का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है जी, तो ये जनाब गाड़ी जो है ठंडी हवा आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, और माइलेज की बात करते हैं तो 1,33,950 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। ठीक है जी, तो भाई इतने साल हो गए, अब इतना हद तो है इसका। खैर गाड़ी अच्छी कंडीशन में है दोस्तों, और गियर वेयर गाड़ी के बिल्कुल मलाई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, और एसी जनाब ठंडी आना स्टार्ट हो गई हवा। बाकी डिटेल में आप लोगों से शेयर कर देता हूँ इस गाड़ी की। दोस्तों इस गाड़ी के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, डिटेल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। सर कौन सा मॉडल है ये? 2007 का मॉडल है। 2007 की सुजुकी ऑल्टो है। इसके कितने ओनर हैं? तीन ओनर है सर। तीन ओनर है सर जी। इसका इंजन अभी तक सील्ड है। ठीक है, 1,33,000 किलोमीटर चली हुई जेन्युइन अपनी। ठीक हो गया, ये नंबर प्लेट जेन्युइन लगी हुई है? जी, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन लगी हुई। टचअप क्या है गाड़ी में? टचअप इसका बोनट है और एक फेंडर है। ठीक है, और नीचे से हल्का हल्का दरवाजों का, आपको पता है 2007 का मॉडल है। और गाड़ी अंदर से सर जी बहुत कड़क गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, आपने देखी होगी माशाल्लाह। फाइल वगैरह टैक्स वगैरह हर चीज क्लियर है। और क्या पैसे हैं सर गाड़ी के? इसके 8,60,000 रुपए में। नादिर भाई बहुत मुनासिब पैसे हैं इंशाल्लाह। 8,60,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं, इसमें कमी पेशी हो जाएगी? कमी पेशी थोड़ी बहुत हो जाएगी। टायर वगैरह भी आपके सामने गाड़ी में, अलार्म वगैरह भी लगे हुए माशाल्लाह, गाड़ी हर चीज सोक है। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिएगा। 0334-37-38641। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। दोस्तों मोहम्मद बिलाल साहब की गाड़ी है, आप में से कोई भाई लेना चाहे आप बिलाल साहब से राबता करके ये सुजुकी ऑल्टो आप परचेज कर सकते हैं जी, और मज़ीद मालूमात के लिए आप इन साहब से राबता कर सकते हैं। वेलकम बैक गाइस, तो भाई उम्मीद है आप तमाम भाइयों ने इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू देख लिया होगा। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने आप तमाम भाइयों को डिटेल दे दी हैं जी। अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ गाड़ी के मॉडल की, तो ये 7 मॉडल है, एसी ऑन है, टायर ठीक है, इंजन ठीक है गाड़ी का, फाइल क्लियर है, टैक्स क्लियर है। इसके ऑनर ने 8,60,000 रुपये इसकी डिमांड की है जी। आपको जो मुनासिब लगे आप इसके ऑनर को ऑफर देके ये गाड़ी ले सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो अच्छी गाड़ी हो वो मैं आप तमाम भाइयों के लिए ऐड करूं। बाकी जनाब अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के पैसों की, तो उसके ऑनर ने आप लोगों को पैसे बता दिए हैं। आप में से कोई भाई गाड़ी लेना चाहे तो इसके ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप रब्ता करके गाड़ी परचेज कर सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की गाड़ियां आप लोगों तक पहुंचती रहें। आप में से कोई भाई गाड़ी का ऐड लगवाना चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप रब्ता करके अपनी गाड़ी का ऐड लगवा सकते हैं। अपने भाई नादर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने चाह जिंदगी रही। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।